कौन है सारिका? कुछ नहीं, वो गलती से वो फोन का रिंगटोन ऑन रह गया था। तुम सो जाओ। हाय। तुम पागल हो गए जो जो इतनी रात को मुझे फोन कर। मुझे आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना था, बट मैंने आपको फेसबुक पर ऑनलाइन देखा तो सोचा कॉल कर लूं। वैसे मुझे आपसे कुछ कहना था। ठीक है, जल्दी कहो। वो क्या है कि कबीर जाग जाएंगे। एक्चुअली आई एम फ्री टुमारो, तो सोच रहा था कहीं आपको बाहर ले चलूं। वुड यू कम विद मी? नहीं, मैं कल नहीं मिल पाऊंगी। वो क्या है कि कल प्रत्युष के स्कूल को ऑफ है, तो पूरा दिन घर पर रहने वाला है, तो मेरा घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या मैं आपके घर आ जाऊं? आर यू मैड? मैंने तुम्हें अभी बताया कि प्रत्युष घर पर होगा। तो अगर वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी? उससे कहना कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, सिंपल। नहीं। अच्छा तो क्या कहोगी? कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम मेरे घर पर नहीं आ रहे, सुना तुमने? ये ना आपकी गलत फहमी, मैं तो कल आपके घर आ रहा हूँ दोपहर के 2 बजे। विपुल, प्रत्युष? हाँ मम्मी। गेम खेल रहे हो? हाँ मम्मी। एक काम करो ना, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना विवेक, हाँ उसके घर में जाकर खेलो तुम दोनों। क्यों मम्मी, पापा आने वाले हैं? हाँ ठीक है, बाय मम्मी। बाय। You're looking amazing. Thank you. अंदर आओ। Nice house. Thank you so much. Have a seat. तुम कुछ लोगे? एनीथिंग। जूस? ओके, आई बी बैक। तो आखिर तुम मेरे घर तक पहुंच ही गए। हे, मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्या हुआ?
सारिका, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। पर क्यों? कुछ नहीं सारिका, बट मुझे लगता है मुझे अब निकलना चाहिए। सॉरी हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ। माँ मुझे नहीं जाना, मैं विवेक के घर बोर होने लगा हूँ। अब एक काम करना, वीडियो बाल जाएगा। हाँ ये ले। थैंक यू मम्मी, बाय बाय। पापा एक बार खेलने दो ना प्लीज। रात बहुत हो गई है ना, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो सो जाओ। सारिका, मैंने नोट किया कि पिछले कुछ दिनों से ना तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, बात क्या है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। रितुष लेट हो गया ना, चल जल्दी से सो जा। Good boy. चलो गुड नाइट। गुड नाइट रितेश। गुड नाइट। गुड नाइट। विपुल ने सारिका के उस खालीपन को भरा था जो उसके पति कबीर के बिजी रहने की वजह से उसकी जिंदगी में आया था। दोनों दोस्ती की हद से काफी आगे बढ़ चुके थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन इन दोनों का यह प्यार सारिका के पति कबीर और उसके बेटे प्रत्यूष को बिना नुकसान पहुंचाए कभी सफल नहीं हो सकता था। ये बात सारिका को जितनी जल्दी समझ में आती उसके लिए उतना ही अच्छा होता, लेकिन सारिका विपुल के साथ अपने रिश्ते में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी और इस बात का अंजाम किसी न किसी के लिए तो बुरा होना ही था। क्या हुआ? कोई टेंशन? कुछ नहीं। विपुल, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? अगर शेयर करोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मेरा एक कंसाइनमेंट जिसमें मैंने 10 कंटेनर सिंगापुर से इंडिया इंपोर्ट किया, अब वो सब कंटेनर कस्टम ड्यूटी के अंडर में। वो लोग कहते हैं ये सब इलीगल है, अगर मैंने फाइन नहीं भरा तो मेरे सारे कंटेनर सीज हो जाएंगे, और अगर कंटेनर रिलीज नहीं हुए तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अब वैसे कितना फाइन भरना है? फाइन तो 15 लाख है, जिसमें से 10 लाख मेरे पास रेडी है, 5 लाख का इंतजाम करना है। सिर्फ इतनी सी बात, तुम टेंशन मत लो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? मैंने कहा ना कि तुम टेंशन मत लो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। एक मिनट। हाँ वहाँ वो पापा पास में होंगे, एक मिनट फोन दो ना। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ पापा। पापा वो क्या है ना कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे, मैं आपको 2 महीने में वापस कर दूँगी। नहीं नहीं पापा, टेंशन की कोई बात नहीं है। जी पापा ठीक है पापा, थैंक यू पापा, मैं करती हूँ आपको बात में फोन। जी बाय। लो हो गया पैसों का इंतजाम। सच? हाँ सारिका, थैंक यू।
थैंक यू सो मच. वैसे थैंक यू से काम भी चलेगा. विपुल, अब क्या हुआ? यार इन कस्टम्स वालों ने नाक में दम करके रखा है. एक और एडिशनल फाइन लगा दिया आज. अब कितने का फाइन लगेगा? 5 लाख. तुम टेंशन मत लो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा. तुम सिर्फ मुझे बस एक दिन का टाइम दे दो. सच्ची? सारी खात, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. बस एक बार मेरे ये कंटेनर हाथ लग जाए ना, मैं तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगा, पक्का. टेक योर टाइम, तुम्हें पैसे जल्दी वापस करने की कोई जरूरत नहीं. जब तुम्हारे पास होंगे ना, तब दे देना. नाउ स्माइल. चावल थोड़ी से बस. प्रत्युष फिनिश करो. कबीर, मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए थे. कितने भाई? 5 लाख रुपए. 5 लाख? ज्यादा नहीं है क्या काम है? वो क्या ना कि मेरी एक दोस्त है, उसे ना पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी है. कह रही थी कि 2 महीने तक वापस कर देगी. ठीक है. वैसे सारिका, 5 लाख कैश तो है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ कल सुबह चेक दे सकता हूँ मैं तुम्हें. दैट्स ओके. फाइन. थैंक यू कबीर. मोस्ट वेलकम. अब भिंडी की सब्जी लोगे? बहुत टेस्टी बनी है, थोड़ी सी देर. आस खाओ खाओ. सारिका, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं. क्या हुआ मम्मा? सतीश बेटा, कुछ नहीं, सब ठीक, सब ठीक है. तू अपने रूम में जाओ. सारिका, क्या हो गया? तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? ऐसे ही वो, तुम ऑफिस से आओ ना, जाके चेंज कर लो, मैं खाना बना दूँ. तुम सब्जी चल रही है, सब्जी कर. विपुल, आई थिंक हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए. क्यों?
कल जब मैं किचन में काम कर रही थी तो कबीर ने मुझे पीछे से हग किया। मुझे लगा तुम, मैं डर गई और मैंने जोर से चिल्ला दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि अपने ही पति से डर गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है विपुल, कबीर मेरा पति है और प्रत्युष मेरा बेटा, और मैं उस इंसान से डर गई जिससे मैं बहुत प्यार किया करती थी। इनफैक्ट मैं आज भी कबीर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं थोड़ी सी भटक गई थी, इसीलिए तुमसे प्यार कर बैठी, वरना कबीर को धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो अब तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुम्हें अचानक हो क्या गया? तुम ऐसा क्यों? प्लीज डोंट टच मी। आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, पर मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। I'm sorry. But baby. Please. People, please try to understand me. I think you should leave now. तो क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ. तो ठीक है, मेरी भी आखिरी बात सुन लो। तुम्हें ब्रेकअप करना है, बदले में मुझे 5 लाख देने पड़ेंगे। क्या? अब वो भी ये सिर्फ डाउन पेमेंट है, उसके बाद जब जब जितने जितने पैसे मैं तुमसे मांगू तब तब उतने उतने पैसे तुम मुझे दोगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कह रहे तुम मुझसे? पैसे मैं तुम्हें क्यों दूंगी? क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं खूब सारे पैसे कमा सकता हूँ, और वो पैसे मुझे तुमसे मिलेंगे। अगर ये वीडियो मैंने वायरल कर दी या फिर कबीर को भेज दी तो तुम्हारा क्या होगा? ये सब तुमने? हाँ, ये सब मेरा क्या करतूत है? अब क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इस वीडियो की कॉपी नहीं होगी? घर पे पूरी एक चिप कर। विपुल प्लीज प्लीज वो वीडियो डिलीट कर। प्लीज विपुल, मैं तुम्हारा पैर पकड़ती हूँ। विपुल प्लीज मेरी वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। क्या बिगड़ा था? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बोलो क्यों किया? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। बताया तो सही, पैसे चाहिए मुझे।
और पैसों के साथ साथ तुम्हारा एक खूबसूरत जिस्म भी चाहिए। लगता आज तुम्हारा मूड नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। 7 दिन बाद आऊंगा, पैसों का अरेंजमेंट करके रखना। चलता हूँ।